नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीन की भारत को नसीहत, सतर्क रहे। चीनी मीडिया ने चीन भारत संबंधों को बेहतर स्थिति में बताते हुए बुधवार को भारत से उसे चीन विरोधी खेमे में खींचे जाने वाले प्रयासों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। चीन की यह टिप्पणी मालाबार नौसैनिक अभ्यास से जापान के जुड़ने की पृष्ठभूमि में आई है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में बुधवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि चीन भारत संबंध बेहतर स्थिति में है और स्वस्थ रिश्ते दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, लेखकों ने पहले क्यों नहीं लौटाए पुरस्कार। पिछले एक सप्ताह से देश के विभिन्न भागों में लेखकों द्वारा अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने की घटना पर संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को यह कहकर लेखकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने इससे पहले ये पुरस्कार क्यों नहीं लौटाए। उन्होंने कहा कि लेखकों ने आपातकाल में पुरस्कार नहीं लौटाए, 1994 के दंगे के विरोध में पुरस्कार नहीं लौटाए और मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के विरोध में भी उन्होंने पुरस्कार नहीं लौटाए। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई लेकिन उन्होंने पुरस्कार नहीं लौटाए। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने पर भड़की हिंसा, दो लोगों की मौत। पंजाब के फरीदकोट जिले में एक धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़े जाने के बाद दूसरे दिन भी हिंसा हुई। फरीदकोट के कोटकपुरा के बहबल कला गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे भड़के लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और आने जाने वाले ट्रकों के शीशे तोड़ दिए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करना पड़ी। इस हिंसा में घायल दो लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि फरीदकोट के बरगाड़ी गांव में मंगलवार को धर्म ग्रंथ के फटे हुए पन्ने मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। इसराइल भारत का महत्वपूर्ण साझेदार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा। तीन देशों के सरकारी दौरे पर गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंगलवार को अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इसराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइल को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि मध्य एशिया और खाड़ी के देश हमेशा से भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत में इसराइल के राजदूत जयदीप सरकार द्वारा दिए गए सम्मान भोज में शरीक होने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के इसराइली नागरिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने इसराइल को हमेशा एक महत्वपूर्ण साझेदार माना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।